नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड कारपेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंतिम द फाइनल ट्रूथ मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कुछ प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो अब तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों बिना दिक्कत हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान सर ने हाल ही में ईद पर फ्रेंड्स को बहुत ही बड़ी गिफ्ट दी थी राती और मोस्ट वांटेड बाय मूवी को लेकर। और अब इस मूवी के बाद अब बैक टू बैक सलमान खान सर और भी मूवी लेकर आ रहे हैं अपने फैंस को लेकर। वो है किक 2 मूवी, जो 2014 में किक मूवी आई थी उनका ही दूसरा सिक्वल रहेगी और इसमें उनके साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर फिर से जैकलिन फर्नांडिस देखने को मिलेगी। इसके अलावा सलमान खान सर की जो दूसरी मूवी आने वाली है वो है कभी कभी दिवाली मूवी, जिस मूवी को फरहाद सामजी द्वारा डायरेक्शन दिया गया है। और इस मूवी के स्टारकास्ट की बात की जाए तो सलमान खान सर के साथ हमें पूजा हेगड़े रोमांस करते हुए देखने को मिलेगी। और इस मूवी के अलावा सलमान खान सर अपने फैंस के लिए जो तीसरी मूवी लेकर आ रहे हैं वो है उनकी ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी टाइगर का तीसरा सिक्वल टाइगर 3 मूवी, जिसमें उनके साथ फिर से कैटरीना कैफ जोया का किरदार करते हुए नजर आएंगी और जो विलन है उनका रोल इमरान हाशमी करते हुए नजर आएंगे। और इंडिया के रो एजेंट का किरदार सलमान खान सर निभाने वाले हैं, वहीं पाकिस्तान के रो एजेंट का किरदार इमरान हाशमी इस मूवी में निभाने वाले हैं। और ये सारी फिल्मों के बाद रिलीज जो उनकी होने वाली फिल्म है वो है अंतिम द फाइनल ट्रूथ मूवी, जिस मूवी को डायरेक्शन दिया गया है महेश मांजरेकर द्वारा और इस मूवी को प्रोड्यूस करने वाले हैं सलमान खान सर सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले। और स्टार कास्ट की बात की जाए तो सलमान खान सर ही इस मूवी में एक्टिंग करते हुए भी देखने को मिलेंगे और इस मूवी में सलमान खान सर एक ईमानदार पुलिस वाला का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे, वो भी सिख के रूप में। और उनके सामने जो गैंगस्टर का रोल है और उनके सामने भिड़ने वाले हैं वो इस बार रणदीप हुड्डा नहीं बल्कि आयुष शर्मा रहने वाले हैं, जो उनके बहनों ही है। हमने हर एक मूवी में देखा है कि सलमान खान सर के सामने उनके सामने गैंगस्टर का रोल करते हुए और आमने सामने भिड़ते हुए रणदीप हुड्डा ही देखने को मिले है, लेकिन इस बार टर्निंग पॉइंट आ गया है और इस बार सलमान खान सर के सामने आयुष शर्मा भिड़ते हुए देखने को मिलेंगे। और इस मूवी में ये दोनों के अलावा जीसू सेन गुप्ता और निकितन धीर भी देखने को मिलेंगे। और आयुष शर्मा ने लव यात्री मूवी से वरीना हुसैन के साथ बॉलीवुड करियर में डेब्यू किया था और इसके बाद ये उनकी अंतिम द फाइनल ट्रूथ मूवी आ रही है और इसमें उन्होंने काम करने के लिए अपना 15 किलो वजन भी बढ़ाया है। और सलमान खान सर इस मूवी में जैसे सिख के पुलिस वाला का किरदार निभा रहे वैसा ही किरदार उन्होंने 2008 में जो हीरोज मूवी आई थी इसमें भी सिख की भूमिका निभाई थी। और इस अंतिम द फाइनल ट्रूथ मूवी का मेकर्स ने एक धमाकेदार टीजर भी लॉन्च कर दिया है जो दर्शकों के बीच काफी ट्रेंड किया था। इस मूवी को 80 करोड़ के बजट पर बनाया है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ से ऊपर की कमाई कर सकती है ऐसा अंदाजा लगाया गया है। और ये मूवी का आप कितना इंतजार कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे।